जर्सी नंबर 12 ने तो जो झटका दिया है उसकी हम लगातार बात कर रहे हैं यूवी के संन्यास की। कहा जाता है कि एक इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। युवराज की बात करें तो उनके पीछे उनकी मां का हाथ था, लेकिन साल 2015 में यूवी की जिंदगी में उनकी पत्नी हेजल भी आई, जिसके साथ उन्होंने एक अपनी लाइफ की दूसरी शुरुआत की है। हमारे रिपोर्टर ने युवराज की पत्नी हेजल कीच से खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। से अलविदा कह दिया है, हमारे साथ है उनकी पत्नी। आपसे मैम जानना चाहेंगे, युवराज ने कैसे डिस्कस किया आपसे कि वो रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? तो मेरा रिएक्शन ये, मैं बस ये हमेशा कह रही थी कि जो आपको करते हैं खुशी से कर लो, अगर आप खुश नहीं हैं खेलने के लिए तो मत करो। व्हाई डू यू डू इट, आपका रीज़न क्या है खेलने के लिए? And he's obviously been so blessed and given the opportunity to play for India, but obviously there's always something that was missing. But life aise to chalte nahi, jaise humko chahiye aise nahi chalte. Life works how life works, and it just happens how it happens. But I always still stand by ki jo aap karte ho, khushi se karo, and as long as you're doing something that brings you peace within and brings you happiness, do that. युवराज एक वॉरियर भी हैं, क्योंकि जिससे कि उन्होंने कैंसर को मात दी और फिर से खेल के मैदान तक पहुँचे। ऐसे में एज ए पर्सन, वाइफ नहीं, एज ए पर्सन आपने कितना कुछ सीखा है उनसे? He is very inspiring to be around. Firstly, बहुत तंग करते हैं। He always finds something to laugh about. He is so forgiving and he's so big-hearted. Despite going through cancer himself, पहले चीज़ जो उसको करना था कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद, इसे ही वॉन्टेड टू ओपन अ चैरिटी सेंटर टू हेल्प पीपल थ्रू चैरिटी। सो दैट समथिंग दैट हिज फादर ऑल्सो हैज, दैट यू नो ही इज ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग गिविंग बैक व्हेदर दे हैव और नॉट। सो दैट समथिंग दैट यूवी हैज ऑल्सो फॉलोड, दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी एबल टू हेल्प पीपल इन एनी कैपेसिटी दैट आई कैन। सो दैट्स समथिंग दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। दो और सवाल आपसे, जब भी आप मैच देखते हैं टीवी में, आप तो कहीं मिस करते हैं कि शायद वो भी मैदान में होते, कभी आपसे ऐसी कुछ बातें होती हैं उनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप क्रिकेट के साथ, मेरा पति थ्रू है, तो मेरा पति खेलते हैं मैं देखती हूँ, अगर मेरे पति नहीं देखते तो मैं नहीं देखती। आखिरी सवाल, कैसा देखती हैं आगे उनका भविष्य देखती हैं, क्या कुछ प्लान किया हुआ है युवराज सिंह ने? वो आपको खुद ही उसको पूछना पड़ेगा। युवराज सिंह की पत्नी बता रही थी युवराज ने कितना बड़ा संघर्ष किया हुआ है, अब वो कुछ प्लान किए हुए हैं जो जल्द ही युवराज बताएंगे। हेजल की तरफ के अनुसार युवराज एक बहादुर इंसान है जिन्होंने कैंसर तक को भी मात दी। कैमरा राजेश सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।